हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंस में। एंड 2022-23 के लिए देखिए, एडीबी की तरफ से यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो ग्रोथ रेट है वो उसको फिर से रिवाइज कर दिया गया है भारत के लिए और चाइना के लिए, और इसके साथ ही जो साउथ एशियन कंट्री है उन सभी के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के प्रस्पेक्ट से देखें तो। अभी फ़िलहाल इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको 7 पॉइंट कर दिया गया है। पहले इसको एक्सपेक्ट किया गया था कि 7.5% के आसपास होगा। उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट जो है और करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको भी बदल दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल देख लेते हैं इसके बारे में। द हिंदू में प्रकाशित किया गया था इसको, और जब हिंदू में प्रकाशित हो तो समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कोई भी न्यूज हो। अभी द एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो भी इन्फ्लेशन से संबंधित चीज़ें डेवलप की गई हैं उसमें बताया गया है कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके अलावा परसिस्ट हो गया, यानी कि वो एकदम से फिक्स जैसा हो गया है, लगातार उसी पे बना हुआ है। पहले तो लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखते हुए नहीं मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो एक तो जो महंगाई दर है, उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि यहाँ पे जो देखते हैं हम, रेपो रेट में वृद्धि देखा गया है, CRR में भी वृद्धि देखा गया है। इन सब चीज़ों में जो वृद्धि हो रही है उसके वजह से जो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति जो है उसमें से लगातार से गिरावट आ रही है। तो देखिए, जब कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम होगा उससे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, खरीदने में कमी आएगी परचेजिंग पावर में, तो क्या होगा कि मार्केट भी थोड़ा सेचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि डिमांड पहले के जैसे नहीं रह जाएगी। अब 2022-23 के लिए जो एक्सपेक्ट किया गया प्रोजेक्ट वो पहले तो 7.5 था, लेकिन अब फ़िलहाल 7% कर दिया गया है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, इनको भी जानना आपको ज़रूरी है कि किन वजहों से ये सब चीज़ें होती हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। इन्फ्लेशन जो है फॉरकास्ट किया गया है, और करेंट अकाउंट डेफिसिट, इनके बारे में अगर हम देखें तो बैंक ने रेज किया है इन्फ्लेशन रेट। खासकर RBI ये काम करता है, जब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो डिसाइड करती है इन सब चीज़ों को। तो अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन रेट जो देखें वो है करीब 6.7, यानी कि जो हम प्रोजेक्टेड हमारा होता है यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच होना चाहिए, ये उससे काफ़ी ऊपर है। इसके अलावा वाइल करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी 3.8% के आसपास है। करेंट अकाउंट डेफिसिट से होता है, एक तो देखिए ट्रेड अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। तो ट्रेड अकाउंट जो होता है वो वस्तुओं के व्यापार से संबंधित होता है, यानी कि निर्यात और आयात की तुलना की जाती है। अगर आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट होगा वस्तुओं का, अगर आयात हम ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं दोनों का जब हम मिला के आयात ज़्यादा करते हैं तो उससे होता है हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आगे के वर्षों में कहा जा रहा है कि 2023-24 में इसमें कमी आ सकती है, 2.1% हो सकता है टोटल GDP का। ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज GDP का है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.8% ही बना रहेगा आने वाले 2023-24 के लिए भी। तो ये इन्फ्लेशन रेट अभी भी एक ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन से हमारे। 4% सबसे अच्छा इन्फ्लेशन रेट होता है, और 2% मिनिमम होता है, 6% मैक्सिमम, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम बना दिया गया कि इतने के बीच इसको कंट्रोल करके रखना है। अब डिमांड प्रेशर कहा जा रहा है कि डिमांड जो मार्केट से है वो बहुत ही कम है, जिसके वजह से ये सब समस्याएं आ रही हैं। क्वार्टर ग्रोथ के बारे में अगर हम देखें तो क्वार्टरली ग्रोथ जो हमारा पिछले 10 दिन पहले हमने देखा था कि करीब न्यूज़ में आया था, जब 13.5% एक क्वार्टर का ग्रोथ रेट हमने देखा गया था। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट था, पूरे एशिया में और पूरे यूरोप में कंपेयर किया जा रहा था कि इससे अच्छा ग्रोथ रेट किसी भी देश का नहीं है। बट द ग्रोथ GDP ग्रोथ फॉरकास्ट कहा जा रहा है कि ऐसे ही नहीं रहने वाला है, ये नीचे आने वाला है। और इसका मेन रीज़न है जो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि घरेलू जो खपत है उसमें कमी आने की वजह से ये सब समस्याएं हो सकती हैं आगे आने वाले समय में। लेकिन देखिए, त्योहारी सीजन है तो हो सकता है त्यौहार के सीजन में अच्छा अगर हम पिकअप बना के रखते हैं तो ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे हम थोड़ा सा बच सकते हैं। अभी ग्लोबल डिमांड के बारे में देखें तो ये बहुत ही कम हो गया है,
ग्लोबली डिमांड में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है और ऑयल के प्राइस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन में कमी आई है ऑयल के, तो ये सब चीज़ें भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा इंडिया का ग्रोथ रेट जो 2023-24 के लिए है वो एडीबी ने एक्सपेक्ट किया है कि 7.2% रहने वाला है। फिलहाल अगर हम थोड़ी सी रिलीफ के बारे में देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी रिलीफ दी जा रही है, सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र है और जो गैस है उस पर अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है, जिसके वजह से थोड़ा सा कंज्यूमर को पहले के जैसा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो हमारा अभी सिर्फ सितंबर तक, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सितंबर 2022 तक ये फ्री फूड जो कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया गया था उसको जारी रखेंगे, लेकिन सितंबर में उसको बंद करने का प्रोग्राम है। उसके बाद से महंगाई दर में वृद्धि और ज़्यादा देखी जा सकती है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी में देखिए कट किया गया था, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस पे करीब 8 रुपये और डीजल के प्राइस पे भी करीब 6 रुपये का जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कमी की गई थी, जिसके वजह से थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे देखा गया था। पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उससे थोड़ा सा यहाँ पे आराम मिला था। इसके अलावा जो पैकेज्ड फूड जो हैं उन पे देखिए जीएसटी भी लगा दिया गया है। अब पैकेट वाले जो आटा चावल जो भी चीज़ें हैं उन पे जीएसटी लगा देने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है। चाइना का कंसर्न यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइना को भी बताया जा रहा है कि चाइना का जो डेवलपमेंट ग्रोथ मतलब की है वो 3.3% है, यानी कि अगर विकसित देशों में देखें और विकासशील देशों में तो ये बहुत ज़्यादा कम है, और इसके आने वाले जो एक्सपेक्ट किया गया था चाइना से कि 5% रहेगा वो फिलहाल 3.3 पे ही रुक गया है। अब कारण क्या है, यहाँ पे एक तो जीरो कोविड स्ट्रेटजी जो है चाइना का देखिए किरकिरी हुआ था पूरे दुनिया में करीब, जब इसने कोविड के दौरान पता चला कि कोविड चाइना से ही फैला है, तो अभी भी जब कोरोना कहीं भी फैलता है चाइना में तो उसको रोकने के लिए पूरा शहर लॉक कर दिया जा रहा है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वहाँ पे डिमांड कम होने की वजह से बहुत सारा जो रियल इस्टेट का काम है वो स्टॉप हो गया है। इसके अलावा एक्सटर्नल डिमांड जो है यानी कि बाहर से विदेशी देशों से जो डिमांड था वो कम हो गया है, क्योंकि कोविड 19 के बाद से ही चाइना की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, जिसके वजह से बहुत सारे देशों ने अपना जो डिमांड निर्भर रहते थे वो चाइना पे अब खुद अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं। और 2023 के लिए कहा जा रहा है कि 2023 के फॉरकास्ट किया गया है 4.5% चाइना का ग्रोथ रेट, जो पहले की 4.8% था, यानी कि आने वाले अगले वर्ष में भी ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिलेगा चाइना का भी। इसके अलावा देखिए बहुत सारा जो डंपिंग इन्वेस्टमेंट हुआ है चाइना में, यानी कि चाइना की बहुत सारी कंपनियां जो चाइना में काम कर रही थी उसके अलावा बाहर की कंपनियां वो अपना इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में ले जा रही हैं, यानी कि इंडिया या फिर साउथ ईस्टर्न कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। साउथ एशिया के बारे में अगर थोड़ा सा देख लें क्या स्थिति है, तो यहाँ पे श्रीलंका देखिए अभी बहुत ही बड़े वित्तीय संकट से गुजर रहा था। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर साउथ एशिया में हम एक्सपेक्ट करें तो 6.5% था कर दिया गया है 2022 का ग्रोथ रेट, जो कि पहले 6.5 था यानी 7% था, ठीक है, तो 0.05 का इसमें भी कमी की गई है, जबकि आने वाले वर्ष 2023 के लिए 6.5 ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया गया है, और पहले ये उम्मीद थी कि 7.4% रहेगा, लेकिन लगभग 0.9% यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। अगर इंडिया के देखें तो साउथ एशिया में अकेले इंडिया 80% जो इकोनॉमी है उसका कवर करता है। इन्फ्लेशन रेट के भी बारे में अगर हम देख लें तो एनर्जी और फूड के जो कॉस्ट हैं वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2022 में 8.1% रहेगा, जबकि 2023 में इसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, 7.4% रहेगा। और उसके अलावा देखिए एस्टिमेट किया गया कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.5% रहेगा 2022 में, एंड 2023 के लिए इसको 5.5% ये अनुमान लगाया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल दूसरा अनुमान लगाया गया है जो कि है 8.1% और 7.4%, यानी कि पहले से ज़्यादा का अनुमान लगाया गया है इन्फ्लेशन में। कमोडिटी प्राइस यानी कि वस्तुओं के जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े गए हैं इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में, तो ये तीन देश बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं साउथ एशियन कंट्री में, क्योंकि इनकी इकॉनमी काफ़ी बड़ी है।
लेकिन चाहे श्रीलंका के देखें तो इसकी इकॉनमी तो पूरी डूब ही गई है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब इसके अलावा हेडलाइन इन्फ्लेशन जो हमारे यहाँ, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो 2% से 6% के बीच एक्सपेक्ट किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने की वजह से, यहाँ पे इसमें वृद्धि देखी गई है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि इसको मतलब कि इस हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच लाया जाए, जो कि अगले साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हो सकता है। कारण एक और यहाँ पे यूक्रेन और रसिया का वार जो है, उसके वजह से भी देखा जा रहा है कि महंगाई दर काफ़ी बढ़ी हुई है। तो ये जो वार है, ये ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया अभी फ़िलहाल। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।